दोस्तों आपका स्वागत है पढ़ाई की बात YouTube चैनल में। आज हम करेंगे डेसिमल फ्रैक्शन, उसकी एक एक्सरसाइज। दोस्तों सिंपल फ्रैक्शन और डेसिमल फ्रैक्शन इन दोनों की दो वीडियोस हैं जिसमें हमने इसके बेसिक्स, इसके कंसेप्ट को अच्छी तरह समझाया है। उनको आप देख के इनके कंसेप्ट को समझ सकते हैं जिससे कि आपको आगे की सवाल करने में आसानी होगी। ऐसी एक्सरसाइज हम बहुत सारी लाएंगे, पहले बेसिक लेवल, फिर आगे आगे एडवांस लेवल आता जाएगा, प्रैक्टिस सेट भी उसके बाद आएंगे। पहले हम ये एक्सरसाइज कर लेते हैं। जैसे कि इस सवाल में हमसे क्या पूछा है, इसमें हमें 1, 2, 3, 4 चार संख्याएं हैं, चारों की चारों डेसिमल नंबर्स हैं, दशमलव संख्याएं हैं, कोई भी संख्या पूरी नहीं है। इन दो का जोड़ करना है, ये घटानी है और इसके बराबर में ये है, और प्लस इसके क्या आएगी ये बराबर हमें बताना है कि ये किसके बराबर आएगा। ठीक है दोस्तों, जो निकालनी है वो एक तरफ कर लेते हैं, जो नहीं निकालनी वो एक तरफ। मैथ में सिंपल सा रूल है, हमें ये निकालनी है, अगर ये संख्या आप यहाँ ले आओ तो इसका मतलब इधर सारी हो जाएगी, उधर रह गया क्वेश्चन मार्क, मतलब वो हमारी आ जाएगी। तो ये अगर यहाँ आएगी तो ये क्या किसकी हो जाएगी, -1, 2, 3.6, क्योंकि प्लस की थी, इधर आके माइनस की हो गई। अब हमारे पास दो संख्याएं हैं, उनको जोड़ना है और उनमें से इन दोनों को घटाना है। पहले हम इनको जोड़ लेते हैं, फिर इसमें से ये दोनों का जोड़ घटा देंगे। कैसे करेंगे, इसमें 3 दशमलव स्थान है, इसमें भी 3 दशमलव स्थान है, तो इनको जोड़ना तो बहुत आसान है। आप कैसे जोड़ सकते हो, आप इनको ऐसे जोड़ सकते हो, लास्ट से स्टार्ट कर दो, 9 और 1 10 0 1 और 8 9 0 9 9। ठीक है, आगे दशमलव आ गया। उसके बाद जो पूर्ण संख्या है इसमें उनको जोड़ लेते हैं, 8 और 1 9, 3 और 4 7 और 3 और 1 4। ठीक है, ये तो आसान था। इसके बाद इन दोनों को भी जोड़ लेते हैं, इन दोनों को जोड़ के इकट्ठे घटा देंगे, पहले ये घटाएं फिर ये घटाएं, इससे अच्छा इन दोनों को जोड़ दो और जो आएगा वो घटा देंगे। 5 घटाओ फिर 10 घटाओ, इससे अच्छा 15 ही घटा दो। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, इसमें दशमलव स्थान 3 है, इसमें 1 है, तो इसमें जोड़ने में कन्फ्यूजन होगी। एक तरीका तो ये है दोस्तों, पूर्ण संख्या में तो पूर्ण संख्या जुड़ेगी, इसका तो कोई चक्कर नहीं है, दशमलव वाली जुड़ेगी। ठीक है, ये दशमलव 1 दशमलव स्थान के बाद आई है। ठीक है, इसका मतलब 1/10, ये 10वां हिस्सा है, पर ये इसमें 1, 2, 3 दशमलव आ गए, यानी कि 1/1000वां हिस्सा है। ये 5 में 6 नहीं जुड़ेगा, ये 1000वां हिस्सा है, ये 10वां हिस्सा है, ये जो है वो जो 6 है ये 1/10 है, और ये 5 जो है वो 1 का कितना हिस्सा हो जाएगा, 1/1000। ठीक है, 1000, 1/1000। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, 6 है जो 3 में जुड़ेगा, 5 ऐसे ही आएगा, 0 ऐसे ही आएगा, 6 और 3 9 हो जाएंगे, 905 या 905 इसका जोड़ होगा। अगर दूसरे तरीके से करना चाहते हैं तो एक ये है कि आप इसको ऐसे लिख लीजिए और 1, 2, 3 दशमलव बिल्कुल लाइन में आएगा, ये ध्यान रखना दोस्तों। ऐसे दशमलव के बाद इसमें 6 है, उसका कुछ नहीं है, तो बेशक कुछ ना लिखो, लिख लो तो 0 भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 0 लिख लो तो 5 और 0 5 होंगे, नहीं तो एज इट इज 5 0 6 और 3 9 6 3 9 4 2 6 1 1 2, ये आ जाएंगे 279.905। अगर वैसे करोगे तो 5 फिर 0 फिर ये 1 दशमलव स्थान वाला, इसमें 3 है, इसमें 1 दशमलव स्थान वाला है, 2 दशमलव स्थान 3 दशमलव स्थान वाला तो था ही नहीं, तो कुछ नहीं लिया, तब तो हमने एज इट इज ये ले लिया 0 5। 1 दशमलव स्थान में 3 ये है, 6 ये है, तो आ जाएगा 9 3 और 6 9 4 2 6 2, सेम आएगा तरीका कोई सा भी हो। ठीक है, अच्छा अब इसमें से ये घटाना है तो इसमें भी कोई चक्कर नहीं, 3 दशमलव स्थान है, यहाँ भी 3 है, चाहे तो ऐसे ऊपर नीचे लिख के घटा लो आप, चाहे सीधा भी घटा सकते हो। 0 में से 5 घटते नहीं, 10 में से 5 गए, 5 इधर से काशी ले ली, 9 की बजाय 8 बच गए, 8 में से 0 गए 8, यहाँ क्या बचे, यहाँ 9 ही है, 9 में से 9 गए 0, आगे फिर डेसिमल आ गया। ठीक है, दशमलव में जो संख्याएं थी उनको घटा दिया, अब बची पूर्ण संख्याएं 479 और 279, इनको घटाओ, 9 में से 9 गए 0, 7 में से 6 गए 1, 4 में से 2 गए। ठीक है, ये दोस्तों उत्तर आ गया, बिल्कुल बच्चों जैसा सवाल था। क्या था, इन दोनों को जोड़ना था, ये घटानी थी और इसके बराबर में ये रखा, ये जमा ये, तो आपको ये निकालना था, इसको आप इधर ले आओ ताकि जो निकालनी हो एक तरफ, ना निकालनी हो एक तरफ हो जाए। ये यहाँ भी माइनस की होगी प्लस की थी, तो इन दोनों का जोड़ कर दिया, ये इन दोनों का भी जोड़ कर दिया ताकि जोड़ के इकट्ठा ही घटा दे, इसमें से ये आ गया, इसमें से ये घटा दी, ये उत्तर आ गया। ठीक है दोस्तों, एक और सवाल बिल्कुल वैसा ही, कुछ जोड़ घटा है इनमें। ठीक है, एक तरफ 3 संख्याएं आपको दी है जिसमें एक अंक मिसिंग है, एक नंबर मिसिंग है उसमें, ठीक है, एक डिजिट कह सकते हो आप, डिजिट मिसिंग है उसमें, और उस तरफ 1 संख्या दी हुई है।
इन तीनों का जोड़ इसके बराबर है, ठीक है। हमें ये क्वेश्चन मार्क की जगह निकालना है कि क्या आएगा यहाँ पे, ठीक है। हम क्या करेंगे इसमें, हम इसमें ये करते हैं कि इसमें कुछ निकालना है हमें, ठीक है। ये संख्याएं दी हुई, इसमें कुछ भी नहीं निकालना, जो नहीं निकालना उनको एक तरफ कर दो और जो निकालना है वो यहाँ रह जाएगी, ठीक है। कैसे करेंगे, ये तो यहाँ रह जाएगी 54.2 क्वेश्चन मार्क 3 बराबर, उधर चली जाएंगी क्या चली जाएगी 603.26, ये माइनस का 543 हो जाएगा और ये 5.43 का हो जाएगा, उधर जाके माइनस का, दोनों प्लस के थे दोनों माइनस के हो गए। इतना समझ में आप आ गया आपको। अब क्या करेंगे, इसमें से ये दोनों संख्याएं घटाओ। कैसे घटाओगे, देखो इसमें डेसिमल वाली है 26 और इसमें 43, दोनों में दो डेसिमल है, ठीक है। ये है 543 और ये है 5.43। अगर मैं इसको जोड़ दूं, पहले ये घटाऊं फिर ये घटाऊं, इसकी वजह इन दोनों को जोड़ दूं मैं, तो कोई हर्ज नहीं है, 543 ये पूर्ण संख्या इसमें जुड़ जाएगा 5 में, 543 और 5 548 हो जाएगा और ये आ जाती जा जाएगा 0.43, तो ये संख्या क्या बन जाएगी 543 और 5 548.43, ये 43 और 5 48 हो गए और कुछ नहीं हुआ, ठीक है। इतना हमने कर लिया, इसके बाद इसमें से घटाना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 6 में से 3 गया 3, यहाँ दो दो में से 4 घटते नहीं है, काशी ले लो 12, 12 में से 4 गए 8, आगे डेसिमल आ गया, ठीक है। अब डेसिमल वाली जो थी ये तो घट गई, अब बची पूर्ण संख्या है, ये होल नंबर या नेचुरल नंबर, हमने एक हासिल इधर ली थी तो यहाँ 2 बचा, 2 में से 8 घटते नहीं है तो इधर से हासिल ले लो, 12 में से 8 गए 4, यहाँ इधर हासिल लेने से 10 बनता है पर एक हासिल चली गई थी, तो यहाँ 9 बचे, 9 में से 4 गए 5, यहाँ कितने बचे हासिल लेने के बाद 5, 5 में से 5 गए 0, बस उत्तर आ गया, पर उत्तर नहीं आया दोस्तों क्योंकि हमारे पास ये था, ये क्वेश्चन मार्क ऐसे था, एक तरफ ये थी दूसरी तरफ वो थे। अब इसको अगर ध्यान से देखो आप, 54 54 डेसिमल 3 3, तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, देखो दोस्तों यहाँ से पता ही लग रहा है, तो क्वेश्चन मार्क बराबर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो आपको उत्तर में ये भी अगर दिया हो ऑप्शन में, तो इसके निशान ही लगाना 54.83 के, आपको 8 के निशान लगाना है तभी आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपने, इसमें कैसे किया हमने कुछ नहीं करना, ये और ये संख्याएं ये एक जैसी हैं और इसमें कुछ निकालने वाला है, इनको एक तरफ कर दो, 543 और 548.43 इधर माइनस में चला जाएगा उसके, ठीक है। इसमें से ये घटा दो, ये 54.83 आ गया, इधर है 54.83, इसमें इसमें देख लो मिला के कौन सा मिसिंग है, ये क्वेश्चन मार्क 8 के बराबर आ जाएगा बस, सिंपल, ठीक है। एक्सप्रेस ये एक संख्या है, बहुत बड़ी संख्या है, 518 मिलियन है ये, ठीक है। दूसरे शब्दों में अगर हम इंडियन जो नंबर सिस्टम है उसमें कैलकुलेट करें तो इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी कि 51.80 करोड़ है ये, ठीक है। इसको क्या करना है, एक्सप्रेस इन साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन में इसको क्या करना है बताना है आपको। साइंटिफिक नोटेशन क्या है, नोटेशन मतलब कोई तरीका, मतलब नोट करने का तरीका, जैसे आप सवाल नोट कॉपी में करते हो, ठीक है, कई माइंड में नोट करते हैं, कई पूरा नोट करते हैं, कई कुछ कुछ मेन मेन पॉइंट्स नोट करते हैं, नोट करने का तरीका है, ये लिखने का तरीका है, इसको इसको आप शब्दों में भी लिख सकते हो, वर्ड्स में लिख सकते हो, वैसे साइंटिफिक नोटेशन में भी लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन में कोई चीज़ ऐसी लिखी जाती है एक अक्षर में सिर्फ, जैसे 4 है तो 4 हो गया, ठीक है। अब 40 है तो उसको ये से लिख देते हैं 40 × 10, 400 को लिख देते हैं 4 × 10^2, अब 440 को कैसे लिखेंगे उसमें से ये आगे, ठीक है। 440 में तो हम 10 तो चलो अलग कर देंगे, 44 को तो गुणा में 10, 10 तो ये तो अलग कर देंगे, 10^2 में लिखते हैं, तो अब 44 को कैसे अलग करेंगे क्योंकि हम तो एक अक्षर लेते हैं यहाँ, ठीक है, कैसे करेंगे इसको, इसको करने का तरीका है ना, 44 में क्या करो, इसको 10 से भाग कर दो, ये आ जाएगा 4.4 और 10 से गुणा कर दो, मैंने 10 से भाग किया, 10 से गुणा किया यहाँ पे, ठीक है, 10 से भाग किया तो 4.4 आ गया, गुणा में 10 पड़ा है और ये गुणा में 10 था, इसको लिख दिया 4.4 × 10^2, ये तरीका है साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का, कि आप सिर्फ जो भी संख्या है ना उसका एक अक्षर लिखोगे, बाकी सारा कुछ 10^2 में कर दोगे, बस उस संख्या को छोटी कर दोगे, 10^2 में लिख दोगे। वैसे इसको अगर लिखना है ना तो इसमें सिर्फ हमें 5 लिखना है, क्या लिखना है 5, अब उसके बाद जो कुछ भी लिखना है वो 10^2 में लिखना है।
अब 10 की पावर में तो आप लिख सकते हो 3 और 3 6 जीरो है, तो इसको 10 की 6 तो कर सकते हो आप, ठीक है। इतना तो लिख दो, 518 को कैसे लिखोगे आप, इसको तो 10 की 6 लिख दिया, 518 तो 518 ही रहेगा ना। 500 होता अगर आप यहाँ 500 होता ना, तो 500 को तो आप यूँ कर देते 5 गुणा में 100 है, 100 को लिख देते 10 की 2, ठीक है। 500 को लिख सकते हो, 500 क्या है, एक 10 का मल्टीपल है, 10 को मल्टीप्लाई करते जाओ तो 500 आता है, पर 518 10 का मल्टीपल नहीं है, तो कैसे लिखोगे इसको, इसको भी लिखा जा सकता है कैसे, 518 में 5 लेना है ना सिर्फ, यहाँ तक लेना है तो 5 ले लो, आगे क्या करो दशमलव लगा दो, सीधा सा मतलब ये हुआ कि 518 को दो अक्सर है ना, ये नहीं चाहिए ना हमें, तो आपको 100 से भाग कर दो तो 518 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास पूर्ण संख्या क्या बचेगी, सिर्फ 5 बचेगी, 100 से भाग करो तो 100 से गुणा भी करना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी संख्या को उतने से भाग करो, उतने से गुणा करो, तभी वो बराबर रहती है। मैं लिख रहा हूँ 518 के बराबर इसको लिख रहा हूँ, तो बराबर तभी रहेगी, अगर मैं अकेला भाग कर दूँ तो छोटी हो जाएगी गुणा ना करूँ तो इसलिए 100 से भाग 100 से गुणा और 10 की 6 है, ठीक है। आप 518 बटे 100 क्या हो जाएगा दोस्तों, 5.18, 200 से भाग करोगे, 10 से भाग करना, 1/10 का मतलब होता है दशमलव, दसवां हिस्सा, 1 लगता है, तो 2 × 10 होगा तो 2 लग गए। अच्छा 5.18 हो गया गुणा में, ये क्या है 100 को क्या लिखेंगे, 10 की 2, 10 की 2 ये है और 10 की 6 ये है, तो ये सारा मिल हो जाएगा 10 की 8, ये आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। कैसे किया आपने, ये 518 मिलियन था, या हम ये कहें 518 गुणा में 3 × 3 = 6 को लिख दिया 10 की 6, इतना था, इतना तो आप कर ही सकते हो 518 गुणा 10 की 6। पर साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का मतलब ये है कि हमें पूर्ण संख्या सिर्फ एक लेनी, 5 बस, इतना छोटा बनाना है हमें, आगे जो कुछ हो 10 की पावर में लिखो, अब वो 550 में भी नहीं जाना, सिर्फ इकाई का अंक 5, 7 ऐसे लेना है। इसको मैं लूँ अगर 18 को, अगर कहीं और ले जाऊँ तो कैसे करूँगा, 518 को 5 कैसे बनाओगे, सिंपल सी बात है भैया, 500 को 5 कैसे बनाते हो, 100 से भाग कर दो, 500 को 100 से भाग करो 5 आ गया, वैसे 518 को 100 से भाग करोगे तो 5 के बराबर आ जाएगा लगभग, 5.25 के आसपास, तो 100 से भाग करो 518 आ गया, बस बन गया हमारा 5। हमारे पास अब पूर्ण संख्या सिर्फ एक ही है, ये बाकी सब डेसिमल्स में है, बाकी सब फ्रैक्शन है, ये पूर्ण नहीं है 518, छोटी संख्या है, ठीक है। तो हमने 518 को 100 से भाग करेंगे तो वो 5 बन जाएगा, ये दशमलव लग जाएगा, 100 से भाग किया 100 से गुणा कर दिया ताकि संख्या बराबर रहे, तो 10 की 2 ये, 10 की 6 ये, 10 की 8 हो गया, सिंपल है दोस्तों। आपको एक संख्या दी है, ठीक है, बहुत छोटी संख्या है ये, दशमलव में है, अगर इसके दशमलव आप हटाओ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, नीचे 9 जीरो लगानी पड़ेंगी, ठीक है दोस्तों। इतनी छोटी संख्या है आपको बाय एक्सप्रेस इन साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन आपको बताया था दोस्तों, आपको सिर्फ एक संख्या लेनी है, कौन सी, 6 के बाद से कुछ भी आए, सिर्फ 6 दशमलव कुछ हो, 6 गुणा में कुछ हो, कुछ भी हो, एक तरफ हम सिर्फ 6 लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम एक्सप्रेस करें, चाहे डेसिमल में करें, चाहे आप 10 की पावर्स में करो, कैसे मर्जी करो, ठीक है। अब इसमें 6 कैसे लेंगे तो समस्या होगी, इसमें 6 के आगे बहुत कुछ है, पिछले वाले में तो फिर भी आसान था, हम भाग कर देते थे तो वो संख्या छोटी हो जाती थी, है ना, भाग कर देते थे हम संख्या, वो छोटी हो जाती थी। अब इसमें तो भाग करने की जरूरत नहीं, पहले ही बहुत छोटी है, 6 कैसे लेके आए, आगे तो डेसिमल बहुत है, सिंपल सी बात है, पहले डेसिमल हटा दो, आपका काम आसान हो जाएगा, ये कॉम्प्लिकेटेड मामला है ना, इसको थोड़ा सा आसान कर लो, क्या कर लो, संख्या लिख लो 6723, कितने डेसिमल है, 3 ये रहे 3 ये रहे 6 3 ये रहे 9 है 9 दशमलव का मतलब 9 जीरो लिखेंगे नीचे, 9 जीरो को लिख दो आप 10 की 9, यही होता है 10 गुना 10 9 बार 10 की 9, इतना आ गया, इतना आप कर सकते हो। इसके बाद आपको क्या लिखना होता है, सिर्फ 6 लेना होता है आपको, है ना, 6 कैसे आएगा दोस्तों, देखो आपके पास संख्या 6000 है, 6723, ठीक है, 6000 को 6 कैसे बनाओगे, आपको भाग करना पड़ेगा, भाग कितने से करोगे बताओ, 1, 2, 3, 3 अक्षर फालतू है, 1000 से भाग करना पड़ेगा या 10 की 3 से भाग करना पड़ेगा, 1000 से भाग करोगे 6000 का 6 बन जाएगा, इसको 1000 से भाग करो ज़रा, 6723 है, इसको 1000 से भाग कर दो और 1000 से गुणा कर दो, ठीक है, और ये 10 की 9 नीचे था, ये 10 की 9 एक तरफ पढ़ाइए, इसका कुछ नहीं कर रहे अभी हम। अब 6723 के बटे में 1000 है तो इसको क्या लिखेंगे, 6 3 जीरो का कहाँ लग जाएगा, दशमलव यहाँ लग जाएगा, 6.723, ठीक है, ये सॉल्व हो गई इतनी। उसके बाद
ये कितना है दोस्तों, हजार को क्या लिखते हो आप, 10 की 3, यही होता है ना 10 की 3, और नीचे 10 की 9। अब ये भाग करोगे जब 10 की 3 ऊपर है 10 की 9 है, तो भाग में आपकी जो पावर है वो जुड़ती नहीं है गुणा की तरह, जैसे 9 और 3 12, वो घटती है। ये इसको काटोगे ना तो इसमें 6 बचेगी, है ना, ज़्यादा इसमें है 9 तो इसमें 6 बच जाएगी नीचे वाले में, तो ये क्या आ जाएगा ऊपर कुछ नहीं, ऊपर 1/10 की पावर 6। ठीक है दोस्तों, नीचे 6 बच गई, ऊपर वाली खत्म हो गई। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, यहाँ लिख देते हैं हम 6.723 गुणा। अब 1/10 की पावर 6 इसको ऊपर कैसे लिखा जाता है, नीचे से ऊपर ले जाओ, ऊपर से नीचे ले जाओ, तो पावर हमेशा प्लस या माइनस हो जाती है, उल्टी हो जाती है, प्लस की है तो माइनस की हो जाती है, माइनस की है तो प्लस की हो जाती है। तो ये हो जाता है 1/10 की पावर 6, इसको क्या लिखा जाता है, 10 की पावर -6। ठीक है दोस्तों, अगर कैसे ऐसे हम 10 की पावर -3 आ गई तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, फिर उल्टा आप 1/10 की पावर 3 ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर संख्या को ले जाओगे तो पावर क्या हो जाती है, माइनस की हो जाती है। ठीक है दोस्तों, ये आपकी साइंटिफिक नोटेशन आ गई, जिसमें सिर्फ आपको क्या होना चाहिए, 6 की टर्म में लिखना, आपको एक संख्या 6 लेनी, 6 डेसिमल में जो कुछ भी हो, गुणा में कुछ भी हो, वो आपको ये लिखना है 6.723 × 10 की पावर -6। ठीक है, कैसे किया हमने, ये हमारे पास संख्या थी, हमें एक संख्या लेनी होती है 1 अंक 6 साइंटिफिक नोटेशन में, उसके बाद हम उसके डेसिमल या गुणा में कुछ लिखते हैं। जैसे 600 है तो उसको लिखोगे 6 × 100, 6 × 100 को लिखोगे 10 की 2, 6 × 10 की 2, ये साइंटिफिक नोटेशन हो गई। पर इसमें तो 6 अलग से हो नहीं रहा था, इसलिए हमने पहले डेसिमल हटाए, तो नीचे 9 0 लगेगी यानी 10 की 2, ये ऊपर डेसिमल हट गए। फिर हमने सिर्फ 6 को लेना है तो ये 3 अक्षर निकालने हैं, तो ये 6000 समथिंग है, तो 6000 को 1000 से भाग करोगे 6 आएगा, 1000 से भाग किया 1000 से गुणा कर दिया, ये नीचे वाला 10 की 9 की जगह, इसके बटे में 1000, ये 3 0 1000 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 6.723, 3 0 3 लग जाएंगे यहाँ पे, ये आ गया गुणा में, ये 10 की 3 है 1000 का मतलब, और ये 10 की 9 है, तो ये कट के नीचे 10 की 6 बचेगा, उसको आप ऊपर ला के 10 की -6 कर दोगे, ये आपको ऊपर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको एक संख्या दी है जो कि दशमलव संख्या है, डेसिमल फ्रैक्शन दी हुई है, एक संख्या है जो 10 की पावर्स में कुछ दिया हुआ है कि पता नहीं कि कितना है, और बराबर में एक और संख्या दी है वो भी डेसिमल फ्रैक्शन है। आपको वैल्यू निकालनी है के की वैल्यू, के कहाँ है, ये रहा हमारा के, बहुत ही आसान, मैंने पहले भी बताया था कि जो संख्या निकालनी है वो एक तरफ और बाकी एक तरफ कर दिया गया। 10 की पावर के को आप यहाँ ले लो बराबर, ये तो यहाँ पड़ी थी 0.001125, और ये हमें नहीं चाहिए, हमें के निकालना है, बाकी सारे उधर कर दो, इसको उधर ले जाओ, ये क्या आ जाएगी 1.125। दोस्तों ये गुणा में थी, गुणा का उल्टा क्या होता है, भाग, जमा वाली घटा में जाती है, घटा वाली जमा में जाती है, गुणा वाली भाग में जाती है, भाग वाली हो तो वो गुणा में जाती है, ऐसे जाती है दूसरी तरफ। इतना आपके पास आ गया, इसके बाद इसको कैसे सरल करोगे, आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ भी 1125 है, यहाँ भी 1125 है, फर्क किसका है, फर्क दशमलव का है, दशमलव इसमें कुछ है इसमें कुछ है। एक तरीका हो सकता है, एक तो ये कि इसके दशमलव हटा लो, कैसे हटाओगे, बराबर दशमलव हट जाते हैं एक तरह से, मैंने पहले एक बार बताया हो तो ये 3 दशमलव इसमें, ठीक है, और यहाँ पे क्या है 3 और 3 6 दशमलव है, अलग अलग है ना, बराबर तो आप हटा सकते हो, 3 यहाँ है 3 इसे हटा दो तो ये दशमलव यहाँ आ जाएगा, और अगली बार में फिर ये 3 दशमलव हटाओगे तो क्या करना पड़ेगा, आपको नीचे 0 लगानी पड़ेगी, एक तरीका तो वो है। दूसरा इनके अलग अलग हटा लो, अलग अलग हटाना आसान है, कैसे, ऊपर क्या है 1125 है, ऊपर वाले को ले लो पहले, कितने डेसिमल है इसके, 1 2 3 4 5 6, 6 डेसिमल हटाना है तो इसका मतलब इसके नीचे लग जाएगा 6 0 3 4 5 6। ठीक है दोस्तों, ये तो आपको पता है कि आप जैसे 1.5 हो तो दशमलव कैसे हटाओगे, 15/1 डेसिमल है तो 10 लगा दोगे, अगर 6 डेसिमल है तो 6/10 हो जाएगा। ठीक है इतना, उसके बाद क्या करोगे आप, अब नीचे क्या है 1.125 है, इसके दशमलव कैसे हटाओगे आप, अगर मैं इसको चलो इसमें ही कर देते हैं या अलग यहाँ करो, ये संख्या है इसके नीचे है तो नीचे कुछ नहीं गुणा लगाएंगे 1125, ठीक है, इसको मैंने ऐसे लिख दिया नीचे 1125, कितने डेसिमल है 1 2 3 डेसिमल है, 3 डेसिमल है दोस्तों, तो हटाओगे तो कितने 0 लगेंगे, 3 0 लगेंगे, चाहे तो आप इसके नीचे लगाओ 3 0 ऐसे बटे में, अच्छा ये ऊपर लगा दो, क्यों, ऊपर वाले के दशमलव हटाते हैं नीचे 0 लगाते हैं ना, वैसे ही अगर नीचे वाले के दशमलव हटाएंगे हम तो ऊपर यहाँ 3 0 लग जाएगी, तो यहाँ ऊपर 3 0 लगा दो, 3 0 का मतलब 1000,
ठीक है दोस्तों, हो गए। क्या किया हमने, ये 1125 ऊपर ही था, ये 1125 नीचे ही था, इनको ऐसे ही रखा, दशमलव हटाए। इसके ऊपर 6 डेसिमल थे तो नीचे 6 जीरो लगा दिए, नीचे वाले के 3 डेसिमल थे नीचे थे तो ऊपर 3 जीरो लगा दिए हटाने के लिए। 3 जीरो से 3 जीरो ये कट गई, ठीक है। 1125 से 1125 कट गया, क्या बच गया आपके पास, 1/1000, 1/1000। यहाँ पे क्या है, 10 की पावर k बराबर है 1/1000। 1000 को लिख दो आप 1/10 की पावर 3, 10 × 10 × 10 ही तो होता है, और यहाँ ऊपर 10 है यहाँ नीचे 10 है, इसको भी ऊपर ले आओ। 10 की पावर k बराबर 1/10 की 3 में क्या लिखोगे, 10 की पावर -3, ठीक है। मैंने कहा था कि ऊपर लाते हो तो पावर जो साइन है वो चेंज कर लेती है, ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, ऊपर 10 की 3 होती नीचे जाती तो भी बदलती, नीचे 10 की 3 है तो भी ऊपर आके 10 की -3 हो जाएगी। तो इससे कंपेयर करो, ये 10 बराबर है तो इसका मतलब k बराबर क्या आ गया, -3। ये आपके ऊपर आ गया दोस्तों, ये गुणा ये बराबर ये था, आपको ये निकालना था कुछ इसमें, तो इसको यहाँ रखो, इसको उधर ले गए तो ये नीचे चला गया 1.125। इसमें 6 डेसिमल थे, 6 के 6 डेसिमल हटा दिए मैंने, 1125 लिख दिया नीचे लिख दिया 6 जीरो। इसमें 3 डेसिमल थे तो इसको एज इट इज लिख दिया, दशमलव हटा दिया। नीचे वाले के दशमलव हटाओगे तो ऊपर जीरो लगेंगे, ऊपर वाले के डेसिमल हटाओ तो नीचे जीरो लगते हैं, तो मैंने ऊपर जीरो लगा दिया। यहाँ लगाओगे तो वो भी पलट के ऊपर ही चले जाएंगे। 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, ये से ये कट गया, 1/1000 आ गया। 1/1000 को लिखोगे 1/10 की 3, 10 की पावर 3 बार गुणा 2000 होती है। 10 की पावर 3 नीचे ऊपर ला के लिखोगे 10 की -3, इसे आ जाए k बराबर -3, ठीक है दोस्तों। आपको क्या करना है, दो संख्याओं की गुणा करनी है। आपके पास संख्याएं कौन सी है, दशमलव संख्याएं, डेसिमल फ्रैक्शन है, पूर्ण संख्या नहीं है। इसकी गुणा करना बता दूं दोस्तों, आप सिर्फ संख्याओं की गुणा कर दिया, ठीक है। कैसे, 4 की और इसकी, 4 × 8 = 24, 2 × 4 = 6, बस एक काम हो गया आपका, गुणा हो गई। अब रहेगा डेसिमल, डेसिमल का क्या करना होता है, इसमें कितने दशमलव स्थान है, 2, इसमें कितने, 1, 2, 3, 4, 4। गुणा में डेसिमल जुड़ जाएंगे, भाग में डेसिमल घट जाएंगे, याद रखें। जैसे भाग क्या था, 10 की 3, 10 की 9 का पिछले सवाल में 10 की 6 हो गई थी ना, वो पावर जैसे होती हैं, पावर गुणा में जुड़ जाती हैं, ठीक है। डेसिमल्स पावर ही है, एक तरह से नेगेटिव पावर है। कैसे है नेगेटिव पावर, देखो 0.1 को क्या लिखूंगा मैं, 1/10, 1/10 हो गया ना ये, ठीक है। 10 की पावर 1 है ये, ऊपर लाऊंगा तो 10 की पावर -1 लिखूंगी। तो डेसिमल एक पावर है, डेसिमल क्या होता है, 10वां हिस्सा, ठीक है, 0.1 या 10 की पावर -1, ये नेगेटिव पावर्स हैं बस। गुणा में करते हैं, वहाँ पॉजिटिव पावर्स होते हैं, 10 की 3 और 10 की 5 की गुणा 10 की 8, तो गुणा में पावर जुड़ती हैं, भाग में पावर घटती हैं। डेसिमल में भी ऐसा ही रहेगा, डेसिमल में भी गुणा करोगे तो पावर जुड़ेगी और भाग करोगे तो घटेगी, बशर्ते ये पावर जो नेगेटिव होती है, इतना ही फर्क है 10 की -2, 10 की -3। जैसे 1/10 क्या है, 0.1, 10 की पावर -1 है, बटा 100 होगा 10 की पावर -2 बन जाएगा, इतना ही फर्क है। तो गुणा करोगे इनको 0.1, 0.2 की, तो 10 10 2 बार नीचे आएगा 10 की -2, पावर जोड़नी है बस। इसमें क्या करोगे, इसमें डेसिमल 2 है, इसमें डेसिमल 4 है, गुणा करोगे तो डेसिमल कितने बन जाएंगे गली में, डेसिमल बन जाएंगे इसके 6 डेसिमल। 6 डेसिमल कैसे लगाओगे, 1, 2, 3 तो हमारे पास है, यहाँ डेसिमल लगाने तो 3 डेसिमल ही बने, 3 दशमलव स्थान बने। 0 लगाओ 4 हो गए, 0 लगाओ 5 हो गए, कुछ ना हो 0 लगाओ 6 हो गए, 6 डेसिमल पॉइंट हो गए, यहाँ डेसिमल लगा दो, आगे क्या लगाते हैं, बस हो गया सवाल। क्या करना था, संख्याओं की गुणा आपको आती है, डेसिमल जुड़ जाएंगे, 2 इसमें 4 इसमें 6 डेसिमल होंगे, तो 6 संख्याओं के आगे फिर आप 6 अंकों के आगे आप क्या कर दो, डेसिमल लगा दो, 6 डिजिट के आगे डेसिमल लगा दो, ठीक है दोस्तों। हाउ मैनी डिजिट्स, कितने अंक विल बी देयर, वहाँ होंगे, कहाँ, टू द राइट, राइट साइड में ऑफ द डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में। वैसे भी हम दशमलव स्थान जो डेसिमल होता है उसके राइट साइड वाले गिनते हैं, डेसिमल के लेफ्ट साइड में होती है वो पूर्ण संख्या होती है। जैसे 45.752 है तो इसमें आपसे पूछेंगे दशमलव स्थान कितने हैं, डेसिमल प्लेसेस कितने हैं, तो आप कहोगे 3 डेसिमल प्लेसेस हैं। हमेशा डेसिमल के राइट साइड वाले प्लेसेस गिने जाते हैं, ये नहीं गिने जाते, इनका डेसिमल से लेना देना ही नहीं है, ये पूर्ण संख्या है, नेचुरल नंबर है, होल नंबर है 45, ठीक है दोस्तों। तो आपने ये पूछ, इसमें यही पूछ रहा है वो कि डेसिमल के राइट साइड में कितने अंक होंगे, पर किसके, कहाँ डेसिमल, कौन सी संख्या, वो ये इन प्रोडक्ट ऑफ
दिस एंड दिस, ये दो संख्याएं हैं, इनके प्रोडक्ट, इनके गुणा में जहां डेसिमल आएगा उसके राइट साइड में कितने अंक होंगे। बहुत सिंपल है, ज़्यादा लंबी स्टेटमेंट है, पढ़ने से आपको मुश्किल लगेगी। अच्छा, आप इनकी गुणा कर लो, आसान लगेगा, गुणा करो इसलिए, ठीक है। ये है 95.75, ये है 0.02554। गुणा कैसे करते हैं, पहले मैंने कहा था नॉर्मल गुणा करनी है आपने इसकी, ठीक है, उसके बाद हम डेसिमल इसमें जोड़ के लगा देंगे। पर 2554 और 9575 बहुत बड़ी गुणा है, ये चार अंक वो हैं, चार अंक वो हैं, बहुत लंबी गुणा होगी, तो क्या करें फिर, गुणा ना करें। गुणा ना करें तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कितने डेसिमल आएंगे। दोस्तों गुणा में एक मैंने ये भी बताया था कि इसमें कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, भाई दो हैं, इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 5, ठीक है दोस्तों। दशमलव के बाद पांच संख्या, पांच अंक हैं इसमें, इसमें दशमलव के बाद दो अंक हैं, जब इनकी गुणा करोगे तो दशमलव स्थान कितने हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, 5 + 2 कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे दोस्तों, कितने डेसिमल होंगे ना। अब दशमलव जहाँ लगेगा उसके बाद 7 अंक आएंगे, समझ गए इतना। पर इसमें भी एक चक्कर है, लास्ट में 4 है और इसमें है 5, जब आप गुणा करोगे ऐसे 95, 75, 25, 54, तो गुणा हमेशा यहाँ से स्टार्ट होती है दोस्तों, इकाई की इकाई वाले से, 4 × 5 = 20, तो लास्ट का जो अंक है वो हमेशा क्या आएगा, इसमें 0 आएगा, क्योंकि 4 × 5 = 20, 4 × 7 = 28 और 2 = 30, 3, तो लास्ट में क्या आएगा, 0 आएगा। तो यानी कि दशमलव के बाद 7 संख्याएं आएगी, 1 2 3 4 5 6 7, और लास्ट का 7वां आएगा 0। कितना पता लग गया हमें। अब ये बताओ दोस्तों, हम कोई संख्या लेते हैं 45.750, आपने ज़्यादातर तो ऐसा देखा ही नहीं होगा, दशमलव में लास्ट अक्षर 0 कभी नहीं लिखता है, ठीक है, 0 का मतलब ही कुछ नहीं होता। इस 7 का मतलब है 7/10, 5 का मतलब है 2 दशमलव स्थानों पर 5/100, 0 का मतलब 0/1000, 0/1000 तो 0 ही होता है, तो लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो इसलिए उसको नहीं लगाया जाता, यहाँ तक ही रोक देते हैं। अगर आप ही जाए ना गुणा करने से तो नहीं, छोड़ देते हैं उसको, तो वैसे ही क्या करेंगे इसमें भी छोड़ देंगे, ठीक है। अगर मान लो संख्या आपकी ये आ रही थी 3 2 5 7 6 4 9 0, ठीक है, तो इसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, ठीक है। तो हमारे पास डेसिमल प्लेसेस क्या बच जाएंगे, ये कम हो गया 0 वाला, तो डेसिमल प्लेसेस कितने बच गए, 6 बच गए। ये दोस्तों उत्तर आ गया आपका, बिना गुणा के उत्तर आ गया। कैसे किया हमने, हमने हमें ये बताना था इसकी उसकी गुणा करें तो उसमें दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे, इसकी उसकी गुणा करेंगे, इसमें 2 डेसिमल हैं, इसमें 4 डेसिमल हैं, तो दशमलव कितने हो जाएंगे स्थान वाले, 6 हो जाएंगे, 2 और 5 = 7 हो जाएंगे, ठीक है, 7 डेसिमल प्लेसेस हो जाएंगे। पर गुणा में लास्ट का अक्षर 4, 5 = 20, लास्ट का अक्षर 0 आएगा, 0 को हम छोड़ देते हैं, लिखते नहीं है दशमलव के बाद, लास्ट में 0 आती है उसको छोड़ देते हैं, बीच में नहीं छोड़ते। ऐसे ऐसे होगा ना 45.705, तो उसको ऐसे नहीं लिखोगे 45.75, चलो 0 का मतलब क्या छोड़ दो, नहीं इसको नहीं छोड़ते, ये 0 इसको फायदा करती है, जैसे 0 है ना, 0 के कारण इस अक्षर की वैल्यू बढ़ जाती है, अगर 0 ना हो या आगे वाला ना हो तो ये संख्या 3 अंकों की बजाय क्या हो जाएगी, 2 अंकों की हो जाएगी, ठीक है, इसको भी फायदा करती है, ठीक है। इस 0 की वजह से 705 था, 0 = 75 हो गया, तो बीच वाली नहीं छोड़नी है, लास्ट वाली छोड़नी है, ठीक है दोस्तों। तो वो ये लास्ट वाली छोड़ दोगे तो 7 डेसिमल प्लेसेस की बजाय क्या हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, ये आपको उत्तर आ जाएगा। तो इनकी गुणा में 5 और 2 7 दशमलव स्थान होने थे, पर लास्ट में 0 आ रहा था उसको छोड़ दिया, तो 6 दशमलव स्थान इसकी गुणा में आएंगे, ये आपको उत्तर आ जाएगा 6, ठीक है दोस्तों। बहुत ही आसान सा सवाल है, आपको गुणा करनी है, कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 संख्याएं हैं, इस गुणा का जो मान आता है वो आपको निकालना है, क्वेश्चन मार्क ध्यान दिया हुआ है। इनमें 2 संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, 30 की 90, और बीच में 3 संख्याएं हैं वो अपूर्ण संख्याएं हैं, इनकम्प्लीट या यूं कहो डेसिमल्स में है या फ्रैक्शन है, ठीक है, इनकी गुणा आप कैसे करोगे। दोस्तों मैंने गुणा में बताया था, आप सिंपल गुणा कर लिया करो, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 30 है, इनकी गुणा कर लो। 30 का आप 0 तो लास्ट में लगा देंगे, जैसे हम 10 और 7 की गुणा करें तो 1 और 7 की कर लो, 0 लास्ट में लगा दो, 10 वो तो 0 जाएगी, तो आपके पास क्या बचेगा, 3 3 9 3 27 3 81 3 247। दोस्तों ये आ गई गुणा, 2 काम करने होते हैं, 1 गुणा करनी होती है, 1 दशमलव स्थान लगाने होते हैं। गुणा आपने कर ली, ऐसे कर लोगे आप,
इसी करने तीन की तीन की तीन की तीन की और तीस की, ये आ गए। अब इसमें डेसिमल प्लेसेस लगाने होते हैं आपने, इसमें डेसिमल प्लेसेस है ही नहीं, इसमें एक है, इसमें दो है, इसमें तीन है, इसमें है ही नहीं, तो डेसिमल प्लेसेस कितने आएंगे, एक और दो, तीन और तीन छः, जुड़ जाते हैं आपको पता है, गुणा करते हैं तो छः अंकों के आगे डेसिमल लगेगा, एक दो तीन चार, यहाँ आ गया पाँच, यहाँ आ गया छः, यहाँ दशमलव लगा दो, ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसको थोड़ा सा सुधारने की जरूरत है, पिछली बार बताया था कि लास्ट में जीरो उसको छोड़ दिया करो, तो इसमें क्या हो जाएगा, जीरो जीरो दो चार तीन, यहाँ तक खत्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कैसे किया, तीन तीन नौ थी, सत्ताईस थी, इक्यासी थी, 243, और लास्ट में जीरो थी, 243 दाएँ 2430, ये तो गुणा आ गई। इसके बाद एक और दो तीन और तीन दशमलव तीन, इसमें थे छः, छः डेसिमल प्लेसेस थे टोटल, ये सारे जुड़ के छः अक्षरों के आगे डेसिमल लग जाएगा, चार पाँच छः, छः अक्षरों आगे डेसिमल लग गया, यहाँ जीरो, ये आपका उत्तर आ गया। इसमें जीरो लास्ट में हम नहीं लगाते हैं डेसिमल में, कहीं भी नहीं देखा होगा आपने, जैसे 7.5 जीरो हो तो 7.5 ही लिखते हैं, तो जीरो छोड़ देते हैं, तो ये जीरो हटा दो, ये क्या आ जाएगा, 0.0002 जाके, बिल्कुल आसान सा सवाल था गुना का। गुना में आपने यही ध्यान रखना है कि आपने डेसिमल प्लेसेस जोड़ देने हैं, 2.1 में हो, 4.1 में हो तो 6.0 हो जाएंगे, और भाग में आपने घटा देने हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, हमने डेसिमल फ्रैक्शंस के ऊपर कुछ सवाल किए, आगे भी हम ऐसी एक्सरसाइज करते रहेंगे, आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करते रहिए, धीरे धीरे हम एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी आपको लाएंगे और प्रैक्टिस सेट भी लेके आएंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।